हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीएस सुदेश गुप्ता। आज से आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ जुड़ता रहूंगा। करंट अफेयर्स या जनरल अवेयरनेस का जो भी लेटेस्ट टॉपिक होगा मैं उसको कवर करूंगा, ताकि आप तक मेरे द्वारा पहुंचाई गई बातें पहुंचे। मैं उन टॉपिक पर वाइड कवरेज के साथ वीडियो प्रेजेंटेशन करूंगा, चीजें आप तक पहुँचाऊंगा, ताकि आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी मेरे वीडियो के साथ अच्छे से कर पाएं। मेरे द्वारा कोशिश यही है कि जो भी आपका टॉपिक होगा इन डेप्थ और डीप नॉलेज आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आज का टॉपिक सीबीआई, कैसे इसका गठन हुआ, क्या क्या इसके अधिकार क्षेत्र हैं, कैसे कैसे इसके डायरेक्टर्स की नियुक्तियां होती हैं, कौन कौन सी कमेटियां इसके डायरेक्टर्स की नियुक्ति करती है, क्या आरटीआई सीबीआई पर लगती है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन और उनके साथ उनकी नॉलेजफुल बातों में हम आपके साथ प्रस्तुत करने जा रहे हैं। सीबीआई आने से पहले जो एजेंसी काम करती थी, स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एसपीई, आइए उसके बारे में देखते हैं कैसे कैसे इसका गठन हुआ, क्या सीबीआई बाद में बनी, पहले क्या बना, स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एसपीई, ये कब बना, सेटअप इन 1941 में इसको सेटअप किया गया। इसका हेडक्वार्टर लाहौर में था, जो कि पाकिस्तान में था उस समय। इसके फर्स्ट सुपरिंटेंडेंट कुर्बान अली थे, इसके फर्स्ट लीगल एडवाइजर राय साहिब करमचंद जैन थे। तो जो एसपीई था उसका क्या फंक्शन थे, उसका फंक्शन था इन्वेस्टिगेट केसेस ऑफ ब्राइबरी एंड करप्शन इन ट्रांजेक्शन विद द वॉर एंड सप्लाई डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू। वर्ल्ड वॉर टू के दौरान जो भी सप्लाई के केसेस थे उनमें भी जो भी ऑफिसर्स ब्राइबरी और करप्शन लेते हुए पाए जाते थे उनकी इन्वेस्टिगेशन एस पी ई करती थी, और उनके पाए जाने पर उन पर उस हिसाब से लीगल एक्शन लिया जाता था। तो एस पी ई 1941 में सेटअप हुई, लाहौर में हेडक्वार्टर था, क्योंकि लाहौर उस समय इंडिया का पार्ट माना जाता था, तब इंडिया बंटवारा नहीं हुआ था, पाकिस्तान भारत एक साथ थे। फर्स्ट सुपरिंटेंडेंट कुर्बान अली आज़ादी के बाद पाकिस्तान चले गए, क्योंकि बंटवारे के बाद उन्होंने पाकिस्तान में रहना उचित समझा, तो वो वहीं रहने लगे। फर्स्ट लीगल एडवाइजर राय साहेब करमचंद जैन। स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एसपीई 1941 में बना, जो 1946 तक चला। 1946 में द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट बनाया गया, जिसको हम शॉर्ट में डीएसपीई बोलते हैं, और ये डीएसपीई आपको पूरे सीबीआई को गवर्न करता है, इसके ही सारे सेक्शन आगे लगते रहेंगे। ये कब आया, ये आया 1946 में। दिस एक्ट ट्रांसफर्ड द सुपरिंटेंडेंस ऑफ द एसपीई टू द होम डिपार्टमेंट। तो एसपीई जो सुपरिंटेंडेंट थे उनको क्या किया गया, गृह मंत्रालय में ट्रांसफर कर दिया गया। These functions were enlarged to cover all the departments of the Government of India. इसके जो functions हैं वो Government of India के सारे departments को cover करते हैं, क्योंकि SPE में हम क्या देखते थे, World War II के दौरान supply department में ही केवल applicable होता था, लेकिन इसमें ऐसी कोई restriction नहीं है, इसके सारे functions सारे department को cover करेंगे। 1946 में जो DSPE बना, इसको इसने आगे चल के CBI बना, और होम मिनिस्ट्री के रेजोल्यूशन जो 1 अप्रैल 1963 को आया, उसके द्वारा डीएसपीई का नाम सीबीआई रख दिया गया, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसको आज हम सब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के नाम से जानते हैं। तो रेजोल्यूशन कब आया था होम मिनिस्ट्री का, 1 अप्रैल 1963 को, ये याद रखना है, ताकि अगर कोई पूछे क्वेश्चन में तो ये हमें बता सकते हैं। सीबीआई, अब हमने जान लिया कि जो नया एक्ट आया डीएसपीई, उसमें सीबीआई का गठन हुआ। सीबीआई का मोटो क्या है, इंडस्ट्री इम्पार्शियलिटी इंटेग्रिटी। अगर हम एग्जाम में देखें तो एक क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज द मोटो ऑफ सीबीआई, तो हमें बताना होगा इंडस्ट्री इम्पार्शियलिटी इंटेग्रिटी। अब हम देखते हैं सीबीआई के फाउंडिंग डायरेक्टर कौन थे, जो फर्स्ट डायरेक्टर थे वो थे श्री डीपी कोहली। कब से कब तक इनका ऑफिस रहा, इन्होंने ऑफिस हेल्ड किया 1 अप्रैल 1963 से 31 मई 1968 तक। तो ये याद रखना है, 1 अप्रैल 1963 से 31 मई 1968 तक फाउंडिंग डायरेक्टर श्री डीपी कोहली ने ऑफिस हेल्ड किया।
श्री डीपी कोहली जी को 1967 में पद्म भूषण से नवाजा गया। तो अब हम देखेंगे कि सीबीआई के क्या कमेटी होती है और कैसे सीबीआई डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट होती है। सीबीआई डायरेक्टर की जो अपॉइंटमेंट होती है वो किसी एक के द्वारा, कमेटी के द्वारा नहीं होती है, इसमें तीन अलग अलग कमेटी का फंक्शन इन्वॉल्व है। सबसे पहले क्या होता है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग जितने भी ऑफिसर्स का बायोडाटा है वो कलेक्ट करता है और उसको बायोडाटा को कलेक्ट करने के बाद ये शॉर्टलिस्ट करता है। शॉर्टलिस्ट करने के बाद ये सिलेक्शन कमेटी के पास भेजता है। मान लो इसने 100 बायोडाटा कलेक्ट किए और 100 में से इसने जो इसको भेजे वो 100 भेजे और सिलेक्ट कमेटी ने क्या किया, 100 में से उनको 10 में से शॉर्टलिस्ट कर दिया। तो अब 10 में से जो शॉर्टलिस्ट हुए वो 10 यहां पर हुए सिलेक्शन कमेटी के द्वारा, और सिलेक्शन कमेटी क्या करेगी, अपॉइंटमेंट कमेटी को भेजेगी तो वो और कम शॉर्टलिस्ट कर देगी। तो मान लो 3 या 4 भेजेगी और अपॉइंटमेंट कमेटी क्या करेगी, उनसे किसी भी पर्सन को, जो भी सुटेबल पर्सन होगा उसको डायरेक्टर अपॉइंट कर देगी। आइए देखते हैं क्या क्या मेंबर्स या चेयरपर्सन होते हैं किस कमेटी में। अपॉइंटमेंट कमेटी की सबसे पहले बात करते हैं, पीएम चेयरपर्सन होते हैं। पीएम कौन, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। दूसरा, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा, लोकसभा में जो विपक्षी नेता होते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन, या फिर ऑब्लिक लीडर ऑफ सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी इन लोकसभा, लोकसभा में जो भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी अपोजिशन में उसका नेता। तो इसको ऑब्लिक में क्यों लेते हैं, मान लो लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन इसलिए नहीं बन पाया कि जो सीटें जितनी भी रिक्वायर्ड थी लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के लिए वो ही नहीं है पार्टी के पास, तो वो तो क्रॉस हो गया, तो फिर हम इससे से इसको मेंबर बना लेंगे। तो अगला है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश, या फिर ऑब्लिक सुप्रीम कोर्ट जज रिकमेंडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन हो गए, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा मेंबर हो गए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मेंबर हो गए। 3 पर्सन की यह कमेटी होती है। अब आते हैं सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन इसका चेयरपर्सन होता है, कौन मेंबर होता है। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर इसका चेयरपर्सन होता है, विजिलेंस कमिश्नर मेंबर होते हैं। सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इन द सेंट्रल गवर्नमेंट मेंबर होता है। सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन एंड पब्लिक रिलेशंस ग्रीवेंसेस कैबिनेट सेक्रेटरिएट मेंबर होते हैं। इसमें 4 पर्सन की कमेटी होती है, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर में चेयरपर्सन होते हैं, बाकी 3 मेंबर होते हैं। अब हम देखते हैं जब भी अपॉइंटमेंट कमेटी किसी भी डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट करेगी तो जो प्रीवियस में डायरेक्टर थे उसमें उनका व्यूज को कंसीडर करती है। व्हाइल मेकिंग रिकमेंडेशन कमेटी कंसीडर द व्यूज ऑफ आउटगोइंग डायरेक्टर, जो भी डायरेक्टर जा रहे होंगे उनका व्यूज कंसीडर करेगी नए डायरेक्टर को चुनने में। जब भी सीबीआई डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट होती है तो सबसे पहले डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग डीओपीटी क्या करती है, बायोडाटा कलेक्ट करती है जिन जिन ऑफिसर्स की रिक्वायरमेंट है। तो इस पर जब सीबीआई डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए 109 ऑफिसर्स की लिस्ट को शॉर्टकट किया डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग ने, कौन से 109 ऑफिसर्स थे, 1984 से 1987 के बैच के सारे ऑफिसर्स का बायोडाटा कलेक्ट किया गया। वो बायोडाटा सिलेक्शन कमेटी के पास भेजा गया, सिलेक्शन कमेटी ने उन 109 ऑफिसर्स में से 6 ऑफिसर्स की लिस्ट को शॉर्टकट किया। अब वो 6 नाम अपॉइंटमेंट कमेटी को भेजे गए, वो 6 नाम कौन से हैं जो अपॉइंटमेंट कमेटी को भेजे गए, आइए डिस्कस कर लेते हैं। सुबोध जायसवाल जो अभी फिलहाल में CISF DG डायरेक्टर जनरल के पद पर थे, ये कब 1985 बैच के ऑफिसर हैं, पूर्व में ये डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस महाराष्ट्र रह चुके हैं, पुलिस कमिश्नर ऑफ मुंबई रह चुके हैं। नंबर 2 पर KR चंद्रा को शॉर्टलिस्ट किया गया, ये बिहार कैडर में 1985 बैच के ऑफिसर हैं, सशस्त्र सीमा बल में अभी फिलहाल में डायरेक्टर जनरल हैं, सिविल एविएशन ब्यूरो में भी कार्यरत रहे हैं और इनका 31 दिसंबर 2021 में रिटायरमेंट हो रहा है। नंबर 3 पे वी कौमदी जी का लिस्ट को शॉर्टकट किया गया, इसमें ये स्पेशल सेक्रेटरी होम मिनिस्ट्री में भी काम कर रहे हैं, BPRND ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पहले काम कर चुके हैं,
इन्होंने लालू यादव के जो चारा घोटाला है उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और सप्तम कंप्यूटर्स का जो स्कैम हुआ था हैदराबाद में उसमें भी इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। नंबर चार पे जो पॉइंट है वो राकेश अस्थाना, जो अभी फिलहाल में बीएसएफ चीफ हैं, इनका नाम अपॉइंटमेंट कमेटी ने सिलेक्ट किया, और वाईसी मोदी जो फिलहाल में एनआईए चीफ है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के जो चीफ हैं, उनका भी नाम था। लेकिन जब अपॉइंटमेंट कमेटी में ये पांचों नाम गए तो इन दो नामों को क्रॉस कर दिया गया, क्योंकि इन पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी जो इनके अपॉइंटमेंट में नहीं आगे बढ़ पाई। तो फिलहाल इन तीनों नामों पर चर्चा हुई और सुबोध कुमार जायसवाल को 25 मई 2021 को सीबीआई चीफ एज ए डायरेक्टर चुन लिया गया। सुबोध जायसवाल अब 2 साल के लिए सीबीआई डायरेक्टर के पद पर रहेंगे। अब हम देखते हैं कि क्या आरटीआई सीबीआई पे एप्लीकेबल होती है, ये क्या एग्जेम्पशन मिला हुआ है इसको, तो हम देखेंगे कि आरटीआई सीबीआई पर एप्लीकेबल नहीं होती है, बिकॉज 9th जून 2011 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने आरटीआई को एग्जेम्प्ट कर दिया था सीबीआई पर लगने से, और इसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं उन्होंने प्रॉब्लम रेज की थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। सिमिलर एग्जेम्प्शन दिया गया है एग्जेम्प्शन का, किस पर आरटीआई और एप्लीकेबल नहीं होती, एनआईए को पर नहीं होती है, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन पर भी आरटीआई एप्लीकेबल नहीं होती है, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रेड पर भी आरटीआई एप्लीकेबल नहीं होती है। इन तीनों को सिमिलर एग्जेम्प्शन सेम डेट पर 9 जून 2011 को दिया गया था। आई होप आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मदद करेगी, आप अपनी तैयारी जारी रखिए। मेरे द्वारा और भी वीडियोस जो अपलोड किए जाएंगे उनको देखते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। मेरे द्वारा बनाए गए इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि और अपना इनपुट देते रहें, ताकि आगे आने वाली वीडियो में मुझे पता चले कि आपको क्या चीज़ अच्छी लग रही है। थैंक यू सो मच।